देखिए जी, आज मैं आपको ना सबसे पहले दिखाती हूँ मोहम्मद के साइज के एप्पल। ये देखिए जी, रात को लेके आए थे बिल्कुल मोहम्मद के साइज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं ठीक ठाक और आप भी उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और जैसे ही मैं कुछ सही होती हूँ तो मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। ये मेरे पीछे आपको सूरज नज़र आ रहा है क्योंकि हमने घर चेंज किया है। तो अभी जो हमारे घर है यहाँ पे सूरज, आसमान, चांद, तारे सब नज़र आते हैं। और ये देखें जी, बाप बेटे सोए हुए हैं या फिर सोने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद जो है वो सुबह सुबह उठ जाता है। आयशा मैडम भी सुबह सुबह उठ जाती है। ये मोहम्मद, मैं नमाज पढ़ रही थी और मोहम्मद ने खुद ही एप्पल पकड़ के खाना शुरू कर दिए हैं। ये देखें जी, मोहम्मद साहब जो है वो सुबह सुबह एप्पल खा रहा है। फीडर तो उसे नहीं मिला तो वो एप्पल पकड़ के एक ये खा चुका है और दूसरा अभी इसके हाथ में है। तो इसके बाबा भी इसके साइज़ के ही एप्पल लेके आए थे, इसलिए भी शायद ये खुश होकर खा रहा है। वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये देखें जी, कपड़ों का ढेर, क्योंकि हमने घर चेंज किया है तो अभी तक मशीन नहीं लगाई है इधर आके। ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं और अभी हमारी जो सेटिंग है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुई है। ये कालीन पड़े हुए हैं, ये भी धोने वाले हैं। मोहम्मद करो, वो देख मोहम्मद, वो देख, वो देख, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। आज ना मैंने उठते के साथ सबसे पहला काम ना नमाज के बाद सरफराज का सूट धोने का किया है। ये देखें जी, दुआ करें जल्दी जल्दी सूख जाए, नहीं तो मुझे कुट पड़ जानी है क्योंकि इसका कोई सूट पहनने के लिए नहीं है। यहाँ पे सरफराज नाश्ता कर रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह ना ये कहते हैं मेरा रोटी को दिल नहीं करता, तो इसलिए मैं फिर सुबह सुबह ना मिल्क शेक बना देती हूँ या कभी लस्सी वगैरह बना देती हूँ। और मोहम्मद जो है ये तो बिल्कुल साथ ही, देखिए इसकी मूंछें बन गई हैं। आयशा पी रही है यहाँ पे मिल्क शेक फटे गद्दे पे बैठ के। सही बना है। अभी हमारा जो बेड है ना वो पड़ा हुआ है ऐसे कि ऐसे ही, और सरफराज को छुट्टी नहीं मिल रही है जी। तो जो सरफराज है ना वो जा चुके हैं। और ये देखें, ये मेरा खर्चा, ये 10 रुपये जो हैं ये मोहम्मद के हैं, ये 10 रुपये जो हैं मेरे हैं चीज़ खाने के, और ये 10 रुपये जो है आयशा के हैं, और ये जो 500 रुपये ना ये हमारा खर्चा है। नहीं, ये सजावट के, ये आप, ये मोहम्मद के, ये मेरे। अच्छा, आप इसके अंदर से 10 रुपये ले लेना। तो मेरे नहीं देखे गए? नहीं। ये देख रहे हैं, आज मेरा खर्चा भी नहीं देखे गए। तीनों बच्चों के 10-10 रुपए और ये 500 आपका। तो और यहाँ पे ना सुबह सुबह ही धूप आ जाती है तो इनके बाबा जाते हैं तो फिर ही काम दूसरा होता है, उससे पहले तो काम कोई होता नहीं है मुझसे। तो मैंने आपको दिखाया था ना ये कपड़ों का ढेर, ये भी, और ये भी आज ये भी कोशिश करती हूँ धोने की। इधर हो, इधर, अच्छा से उठाई नहीं जा रही है। इधर आना, साथ दीवार के साथ लगा देते हैं। आयशा ने हिम्मत करके चल पाई, रखवा ही दिए। शाबाश, वाह। जी तो मेरी ना बाहर की सफाई हो गई थी मुकम्मल और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन तकरीबन मेरा ना सारा सिमट चुका है। ये पत्थर का सेट था जो कि टूट के बेचारा इतना सा रह गया है। और ये मैंने एक डब्बे में रखे हुए थे पत्थर का सेट, तो गिलास, शीशे के जग वगैरह। तो नीचे वाली हमसाई आई तो उसे बॉक्स चाहिए था, तो मैंने उसे ना अपना बॉक्स खाली करके दे दिया। उस बेचारे ने कपड़े रखने थे, ये फालतू चीज़ें मैंने जो थी वो यहाँ पर रख दी हैं नीचे, और इस पे अभी मैं पर्दा लगा दूंगी। नमक मिर्च के डब्बे जो थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं जो रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं। और घर चेंज करते तो आपको पता बहुत ज़्यादा खिलारा फैल जाता है। ये जो चमचियाँ वगैरह, चम्मच वगैरह थे वो मैंने फिल वक्त ये टोकरी में डाल के इधर रख दिए हैं ताकि बच्चों से महफूज रहें, क्योंकि मोहम्मद साहब तो उसके हाथ आ गए तो सारा कुछ तोड़ फोड़ के फेंक देगा, तो यहाँ पर मुश्किल से ही जाएगा। और ये चीनी मैं डाल देती हूँ अभी,
डब्बे में, क्योंकि ना कल इन्होंने चीनी बच्चों ने गिरा दी थी रात के वक्त। तो ये कीड़ियाँ देखें अभी तक इधर घूम रही हैं। मैंने बहुत साफ़ किया है लेकिन फिर भी अभी कुछ हैं। और ये देखें जी, ये प्लेट इतनी गंदी हुई पड़ी थी, मुझे नीचे से मिली थी तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रख दिया है, तो सब्ज़ी वगैरह बनाने में काम आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़े से ना ये पत्थर लगा हुआ था, गरम देगची वगैरह इसके ऊपर रख दिया करूँगी। अभी मैं जाने लगी हूँ मोमो को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि सुबह से मुझे उसका ख्याल ही नहीं आया। जब तक ये पीती है ना तो मैं और ले आती हूँ थोड़ा। ये देखो ये आ रहे हैं चीज लेने के लिए, चीज लेने के लिए। ये कहाँ पे गए हैं ये देखिए, वो जो सबसे नीचे ना वहां से ही चीज लेके आए। चीज वो गई सजावट की चीज गिर गई है। जब तक सजावट नीचे जाएगा चाहे कोई पकड़ ले। ऐसे तुम तो ना जाओ, ऊपर आ जाओ, थक जाओगी, ऊपर आ जाओ बेटा। अगर मैंने चीज का कह दू ना कि कोई काम बता दूंगी, ये लेके आना वो लेके आना, तो रोने बैठ जाते हैं, नहीं हम तो थक गए, हमें ये हो गया वो हो गया। चीज के लिए भागे फिरते हैं बस, चीज के लिए चाहे 10 चक्कर लगवा लो। मैल बकरी को पानी लेने आई थी और इनके खेल लग गई। मुझे भी याद आया कि मैंने पैसे अपने इधर रखे। हाँ जी मैं ले आई पानी ले आई। लाती चारा भी डालती हूँ उनको चारा। ये ना हम इतनी ऊपर ना सिर्फ ये मोमो की और रानी की वजह से आए हैं। ये जो खुरली है ना ये बड़ी है, ऊंची है तो रानी को हाथ नहीं आता है, तो यहाँ से रानी जो है ना इजीली खा लेगी, इजी होके और पेट भर के खा लेगी जी। तो मैंने मोमो को चारा भी डाल दिया है, मेरी साफ सफाई भी हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप मुनासिब समझें तो, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है तो। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप सब देखने वालों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।